है, छोड़ दीजिए, सुबह से पास जा पास जा पास जा पास जा पास जा। पालक ही पालक ही कहाँ निकले सांप? एक बार फिर से रानू भाचा के यहाँ कोबरा रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। आज हम सुबह से लेकर शाम तक दिन ढलते तक यहीं बिलसरी में आए हुए थे, क्योंकि हमारे रिश्तेदार के यहाँ 13वीं का प्रोग्राम था और साथ में हमारी फैमिली भी है। और कुछ देर पहले ही हम बिलसरी से वापस गांव आए हुए थे, गांव पहुँचे नहीं थे कि कॉल आया और फिर हमें यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ा। यह एक स्पेक्टिकल कोबरा का छोटा सा बच्चा है जो लगभग 2 फीट का होगा और अपने भोजन में लिप्त है। एक बड़ा सा मेंढक पकड़ा हुआ है और इसे निगल रहा था जब हम देखे इसको। और जब हम इसके पास आए तो ये अपने भोजन बाहर लगने लगा और ये देखिए, ये मेंढक को बाहर निकाल दिया। कभी भी सांप भोजन करते रहता है या आपको अपना भोजन निकलते रहता है और हम लोग भी डालते हैं वहाँ पे, तो अपना भोजन बाहर निकाल देता है। यह नाग का सपोला बहुत ही गुस्से में है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने इनका भोजन डिस्टर्ब कर दिया है और ये हमें देखते ही अपना भोजन बाहर निकाल दिया और ये बहुत गुस्से में है। ज़रा सा भी चूक होगी या जैसे समय पाएगा तो ये हमें बाइट कर देगा। ये इतने गुस्से में है कि अपना ही शरीर काट लिया है। ये देखिए, ये खुद अपने आप को काट लिया है। ये नाक का बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, इंसान को मौत के घाट उतार सकता है, क्योंकि इतना खतरनाक और इतना वेनमस स्नेक होता है। आइए हम इसे अब डिब्बे में पैक करते हैं। ये डिब्बा बड़ा हो गया है, छोटा डिब्बा नहीं था हमारे पास। चलिए अब इसे डिब्बे में पैक करते हैं। हमें बहुत सावधानी बरतना पड़ता है क्योंकि सबसे बड़ा खतरा स्नेक को पैक करने में होता है और एक बहुत बड़ा जोखिम रहता है इसमें, बहुत खतरनाक काम होता है ये। ये स्पेक्टिकल कोबरा है जिसे हम लोग बिलसरी के रानू भाचा के यहाँ से रेस्क्यू करके लाए हैं और भी हम लोग इसे रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। अगर आप लोग को मेरा काम अच्छा लगता हो या पसंद आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। शुभ रात्रि, गुड नाइट।